जब तुम किसी लड़की को डेट करना स्टार्ट करते हो तो उस पॉइंट पे ना मतलब फिगर आउट करना कि क्या ये लड़की मुझे पसंद है या नहीं है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट थोड़े थोड़े हिंट्स होते हैं, थोड़े थोड़े साइंस होते हैं जो तुम देख के फिगर आउट कर सकते हो और इनको कहते हैं रेड फ्लैग। अब प्रॉब्लम यहाँ पे होती है अगर हम ये साइंस अर्ली ऑन नहीं समझ पाते और अर्ली ऑन एक डिसीजन नहीं लेते कि यार ठीक है ये बहुत ही क्रेजीनेस होने वाली है तो हम उस रैबिट होल में घुसते ही जाते हैं। और जितना टाइम हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं उतना मुश्किल हो जाता है उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने में। एंड जितने भी रेड फ्लैग्स हमने देखे होंगे वो सब तुम इग्नोर कर देते हो, इट स्टार्ट्स अ न्यू साइकिल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ड्रामा इन योर लाइफ। तो ये रेड फ्लैग्स अर्ली ऑन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आइडेंटिफाई करने के बाद उन पे एक्ट करना, एक डिसीजन लेना कि ठीक है दिस इज समथिंग दैट ओके मैं झेल सकता हूं बट दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट इन माय लाइफ और इस लड़की से तो मुझे बिल्कुल भी डेट नहीं करना है, बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। वी मेड अ वीडियो ऑन टॉप 10 रेड फ्लैग्स ऑलरेडी, पार्ट 1 तुम्हें देखना है वो देख लो। दिस इज गोना बी पार्ट 2 फॉर टॉप 10 रेड फ्लैग्स that you can look for in a girl and these will be the ones that you can keep in mind ताकि तुम्हें पता हो तुम्हें relationship में जा रहे हो क्या क्या red flags तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए और क्या वो तुम्हारे से agreed है या नहीं। Of course सारे red flags तुम agree नहीं करते होगे, कोई कोई red flags होंगे जो maybe you feel it's fine, it's not that big of a deal and that's fine for you as well। ऐसा ना हो कि सालों साल तुम relationship में चले गए हो और तुमने ये red flags पहले identify कर लिए थे but अब ये बाद में जाके बहुत ही बड़ी problem बन गए हैं तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ों की तुम यहाँ पे फंस गए। एंड ये कहानी सबके लिए ही ट्रू होती है बिकॉज मोस्टली हम रिलेशनशिप में जाते हैं रेड फ्लैग्स तुम्हें दिख जाते हैं बट तुम्हें लगता है यार यू नो बाकी चीज़ें इस बंदे की या इस लड़की की एकदम इतनी परफेक्ट है कि यार ये छोटी सी चीज़ से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो वो एक छोटी सी चीज़ बिकम्स द थॉर्न इन योर फुट, मतलब वही एक कांटा होता है जो तुम्हारे पैर में हमेशा फंसा होता है, वही पत्थर तुम्हारे जूते में हमेशा होता है जो आगे तक तुम्हें हमेशा दुखी करता है और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि तुम इन्वेस्ट इतना ज़्यादा हो जाते हो। सो व्हेन यू वॉच दिस वीडियो प्लीज टेक एक्शन ऑन इट, डोंट जस्ट थिंक यार ये रेड फ्लैग्स हैं इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। रेड फ्लैग नंबर 1, यार ये लड़की तुम्हें हमेशा ही क्रिटिसाइज करती है और दूसरे लोगों से कंपेयर करती है, बोलती है यार तुम इसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, इस लड़के को देखो ये तो इतना बेटर है तुमसे, ये तो ये कर रहा है तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, और हमेशा कुछ भी चीज़ ना हमेशा तुम्हारी ढूंढेगी ऐसे, बोलती है तुम ऐसे क्यों हो, एंड शी ऑलवेज वॉन्ट चेंज यू एंड ऑलवेज क्रिटिसाइज यू ऑन समथिंग और दी अदर तुम्हारी बात पे, या तो बोल रही है तुम बहुत पतले हो या तो तुम बहुत मोटे हो, ये तो बस फिजिकल ट्रेट्स हो, या फिर वो तुम्हारे इमोशंस के बारे में बोल रही हो कि तुम कैसे अजीब से बच्चे से हो, तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो, या फिर वो बोल रही है व्हाई यू ऑलवेज सो स्ट्रांग लाइक दिस, कांट यू जस्ट लाइक रिलैक्स, मतलब हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वो बोलती है मुझे तुम्हारी ये चीज़ नहीं पसंद, वो चीज़ नहीं पसंद। जनरली कंपैटिबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में। अब अगर बातें इस लेवल पर पहुंच गई हैं कि वहाँ पर ना तुम्हारी कुछ खुशी वाली बातें नहीं होती, कोई फन नहीं होता है, कोई फ्लर्टिंग नहीं होती, कोई सेक्स नहीं होता है, और होता भी है तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का रिस्पाइट मिलता है तुम्हें, उसके अलावा हमेशा एक क्रिटिसिज्म, एक फाइट वाली वाइब हमेशा ही रहती है, कुछ ना कुछ कमी वो लड़की तुम्हारे में हमेशा ही निकाल रही होती है, देन दैट्स अ बिग रेड फ्लैग, यू शुड नॉट बी विद दैट पर्सन। रेड फ्लैग नंबर 2, शी इज टू पोजेसिव एंड वो तुम्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देती है, कुछ पर्सनली करने को नहीं देती है, उसको पसंद नहीं है कि तुम कभी भी बाहर जाओ, उसको पसंद नहीं है तुम कभी किसी लड़की से नॉर्मली बात भी करो, शी डजंट अलाउ यू टू हैव फीमेल फ्रेंड्स, और वो बहुत ही ज्यादा कोडिपेंडेंट है, मतलब उसको चाहिए कि जो वो कर रही है वही हमेशा तुम करते रहो, और वो बहुत नीडी है कि अगर उसके इमोशंस डाउन है तो तुम्हें हमेशा ही उसके इमोशनल सपोर्ट करना ही करना है, लाइक वो अपना खुद का ख्याल रखती नहीं है, एंड शी इज एक्सट्रीमली नीडी, चेप, कोडिपेंडेंट। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप ऐसा होता है जहां पे कि दोनों एक ही साथ फंसे रहते हैं, एक बंदा अपना कुछ इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं रख सकता, अगर वो रखता है तो दूसरा पर्सन उसको शेम करता है कि यार तुम तो मुझे छोड़ के चले गए, तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते, तुमने मुझसे भी नहीं पूछा। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू नो कपल्स डू टुगेदर, ऑफ कोर्स काफी चीजें हम साथ में करते हैं, एंड आई वुड ऑल्सो नॉट लाइक कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड है मुझे भी कहीं पे जाना था बट वो मेरे को बिना बताए मेरे को अवॉइड करके वो जा रही है, नाउ दैट्स अनदर प्रॉब्लम, बट देन यू विल हैव जेन्युइनली सर्टेन थिंग्स टू डू, जैसे इफ आई वांट टू गो आउट एंड ट्रैवल, मेरे को एक मूवी देखनी है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इट्स नॉट क्लियरली अ मूवी दैट बोथ ऑफ अस हैव बीन वेटिंग फॉर, या फिर जैसे मैं अभी आके वीडियोस बना रहा हूं, शी लाइक ओ तुमने वीडियोस अकेले बनाते हो जाके, हां मेरा काम है, तो वहां पे स्पेस अगर कोई नहीं दे रहा है और कोई बहुत कोडिपेंडेंट है और कोई बहुत ही ज्यादा नीडी है इमोशनली कि मेरा ख्याल रखो प्लीज, ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं कि यार तुम तो फोन ही नहीं करते, तुम मुझे भूल गए, एंड देयर गिल्ट ट्रिपिंग यू ऑन दैट, तो ये सारी चीजें बिग बिग रेड फ्लैग्स, मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है कभी मैं ऐसी लड़कियों से मिलता हूं तो आई एम लाइक मैं नहीं झेल सकता हूं प्लीज सॉरी, सो आई मूव अवे फ्रॉम दैट। रेड फ्लैग नंबर 3, उस लड़की को बाउंड्रीज नहीं समझ में आती है कि यार ये लिमिट होती है ये तुम्हें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूं बिना बताए ऑफिस में आ गई है और जबकि हम मे बी डेट भी नहीं कर रहे हैं, लेट्स से यू स्टार्टेड डेटिंग बिना बात ऑफिस में आ गई है, इफ इट्स लाइक अ थिंग दैट यू गाइस हैव लंच टुगेदर एंड शी कम्स
वर्क दैट्स फाइन बट बिना बताए शोइंग अप व्हाइल यू डूइंग समथिंग मीटिंग चल रही है मीटिंग के बीच में आ गई है दैट्स क्रेजी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बीच में आ गई बोल रही नहीं तुम शूट नहीं करोगे मेरे से बातें करो अरे बहन मुझे तो पता ही नहीं था तू आ रही है ये क्या मतलब हुआ यहाँ पे अनदर थिंग दैट दे डू इज जबरदस्ती फोन चेक करना है तुम्हारा हमेशा फोन चेक करना है लाइक बीइंग सो फकिंग इनसिक्योर नॉट अंडरस्टैंडिंग बाउंड्रीज नॉट अंडरस्टैंडिंग प्राइवेसी फोन चेक करना है अनदर एग्जांपल नॉट अंडरस्टैंडिंग कि तुम बिजी हो और जबरदस्ती फोर्स करना कि मिलो 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 मुझसे मिलो मुझसे मिलो मुझसे मिलो तुम मुझसे मिलते नहीं हो भाई कल ही मिलाऊं आज फिर से मिलूं ऐसा थोड़ा ना होता है यार सो दीज क्रेजी पीपल जो भी ऐसे करते हैं कि भाई रोज 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 मिलना है इसका फ्लिप साइड क्या है अगर एक हफ्ता दो हफ्ता हो गया है और तुम फिर भी नहीं मिल रहे हो देन यार वहां पे तो ऑफकोर्स वो लड़की बोलेगी कि भाई तुम्हें मेरे से मिलना चाहिए एंड वो तुम्हें मिलना ही चाहिए लाइक एज अ रूल ऑफ थंब आई ट्राई टू मीट एनीवन आई एम सीइंग एटलीस्ट टू टाइम्स आई वुड प्रेफर थ्री टू फोर टू मे बी फाइव टाइम्स इवन फाइव टाइम्स ज्यादा हो जाता है आई थिंक थ्री टू फोर टाइम्स अगर हम मिल रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट डे दैट्स फाइन बाय मी बट अगर हफ्ते में दो मिल रहे हैं दैट्स ऑल्सो फाइन बट दो से कम में आई फील लाइक आई वांट टू मीट द पर्सन मोर अगर कोई बंदी कह रही कि नहीं लिटरली तुम्हें पांच छह सात दिन डेली मिलना ही मिलना है और तुम बिजी हो समझ नहीं आ रहे उसको कि तुम बिजी हो दैट्स क्रेजी यू वांट अ पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग तुम्हारे काम पे यूटिलाइजेशन है तुम्हारे टाइम की या तुम्हारा कहीं और टाइम जा रहा है एंड दे नीड टू रिलैक्स विद ऑल ऑफ दोस थिंग्स दे डोंट रिलैक्स दे डोंट अंडरस्टैंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग नंबर 4 शी डिसरिस्पेक्ट्स यू इन फ्रंट ऑफ पीपल पब्लिक में तुम पे चिल्ला रही है तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम पे चिल्ला रही है डिसरिस्पेक्ट कर रही है बोल रही है तो ऐसे ही है तुझे इतना भी नहीं आता तो तू बेवकूफ है और यही सेम चीज लड़के भी कर सकते हैं ठीक है एंड मेरे को कभी भी कुछ होता है तो मैं थोड़ा बहुत लाइक आई स्कोल्ड पीपल मैं चिल्ला देता हूं राइट बट आई एम नॉट स्क्रीमिंग एट देम लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू ऐसे ऐसे नहीं बट मैं बोलता तो बस यार हो गया यार एंड आई रियलाइज दैट दिस इज सच अ बिग डील फॉर वुमेन स्पेसिफिकली एज अ साइड नोट यहां पे दिस गोस फॉर रेड फ्लैग फॉर देम बट अ रेड फ्लैग फॉर अस आल्सो दिस इज वन थिंग दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन इंप्रूविंग सो मच कि कभी भी अगर हम बाहर है बाहर भी नहीं है लाइक पर्सनली भी है तो आई डू नॉट रेज माय वॉइस अब मेरी आवाज वैसे इतनी तेज होती है मैं अदर टाइम रेज नहीं कर रहा था एंड द गर्ल इज लाइक स्टॉप स्कोल्डिंग मी स्टॉप स्क्रीमिंग एट मी स्क्रीमिंग एट मी एंड आई एम लाइक नहीं मैं नहीं चिल्ला रहा हूं मेरी आवाज ही तेज है एंड दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स इन ऑल द रिलेशनशिप्स सो एज अ कॉन्शियस थिंग फॉर मी आई एम ट्राइंग टू नॉट रेज माय वॉइस एट ऑल एंड स्पेसिफिकली इन पब्लिक दोस्तों के सामने कभी नहीं होना चाहिए बिकॉज जब भी तुम किसी के ऊपर चिल्लाते हो ठीक है एंड दिस यू कुड फील दिस अगर लड़की तुम्हारे ऊपर चिल्ला रही है दोस्तों के सामने इट मेक्स यू श्रिंक लाइक तुम्हारे दिल और छोटा सा हो जाता है इट्स दैट श्रिंकिंग फीलिंग एंड इज दैट फीलिंग यार मेरी इज्जत ही नहीं है मेरी सेल्फ वर्थ ही नहीं है कोई भी मेरे पे ऐसे चिल्ला देता है आके आई एम नॉट लाइक गुड इनफ फॉर दिस पर्सन एंड द सेल्फ एस्टीम टेक्स अ हिट द सेल्फ वर्थ टेक्स अ हिट सो यू नेवर वांट टू डू दिस फॉर द अदर पर्सन एंड इफ दे आर डूइंग दिस फॉर यू यू डोंट वांट टू स्टैंड फॉर दिस थिंग ठीक है तुम्हें ये चीज अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहिए यू कैन लीव द रिलेशनशिप एंड यू कैन फाइंड अ मच मच बेटर पर्सन एक और चीज कर सकते हो यू कैन एटलीस्ट कम्युनिकेट एंड एस्टैब्लिश बाउंड्रीज बी लाइक बेब लिसन आई डोंट लाइक दिस डोंट डू दिस एंड स्पेसिफिकली मेरे दोस्तों के सामने मत करो एंड फिर भी कंटिन्यू हो रहा है और वो सामने वाला बंदा बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा है और वो कोशिश भी नहीं कर रहा चेंज करने की आई थिंक यूर बेटर ऑफ समवेयर एल्स इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर तुम हमेशा इमैस्कुलेट हो रहे हो मतलब लड़की हमेशा तुम्हें डोमिनेट कर रही है एंड शी इज लाइक कि तुम मैस्कुलिन ही नहीं हो तुम एकदम ही बेवकूफ हो एंड इट मेक्स यू फील लाइक यू नॉट इवन अ मैन कि तुम मर्द ही नहीं हो यार और वो बंदी मैस्कुलेट कर रही है मे बी तुम्हें थप्पड़ वप्पड़ भी मार रही है मे बी तुम्हें पीट रही है जैसे जॉनी डेप के केस में हुआ था या फिर जैसे यू नो दैट गर्ल जेडा पिंकेट स्मिथ इज डूइंग विद विल स्मिथ एकदम इमैस्कुलेट करके रख दिया है उसको अल्फा मेल को एकदम बीटा मेल में ले गए हैं और वो अपनी एंड पे भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे आई वुड नॉट ब्लेम द वुमन सो मच बट लाइक ऑफकोर्स वहाँ पे ब्लेम है बट बंदे को खुद भी तो अपना ध्यान रखना चाहिए अगर विल स्मिथ जाके क्रिस रॉक को ऐसे थप्पड़ मार रहा है उसको लग रहा है बहुत अल्फा चीज कर रहा है बहुत मैनली चीज कर रहा है बट दैट इज द मोस्ट स्टूपिड फेमिनिन थिंग यू कैन डू बिकॉज तुम वहां पे कर रहे हो एक ऑस्कर्स के बीच में जहां तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है मतलब तुम कर रहे हो क्योंकि क्रिस रॉक है और वही जैसे अगर द रॉक होता ड्वेन जॉनसन होता तो तुम नहीं करने वाले थे सो दैट्स नॉट अ मैनली थिंग टू डू एट ऑल अब उसके बाद भी एक वीडियो आई थी जहां पे जेडा इज लाइक कुछ उससे पूछ रही है एंड ही इज लाइक स्टॉप पॉइंटिंग द कैमरा एट माय फेस और वो कैमरे पे देख के ऐसे करती है यू सी ये कैसा सा है आई वुड से डोंट जस्ट स्टार्ट फिल्मिंग मी without asking me. I'm still dealing with foolishness. ऐसे करके बातें कर रही है तो ये मैस्कुलेटिंग वाले फेज में अगर तुम फंसे हुए हो तो यहाँ पे गलती तुम्हारी भी है तुम्हें अपने आप को भी ध्यान में रखना है तुम्हें अपने आप को यू नीड टू एस्टैब्लिश बाउंड्रीज देयर एंड शुरू में ही क्योंकि तुमने यू डिड नॉट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ शुरू में ही तुमने बाउंड्रीज नहीं एस्टैब्लिश करी शुरू में यू ट्राई टू प्लीज द अदर पर्सन दैट इज व्हाई दे आर ट्रीटिंग यू लाइक दिस बिकॉज यू आर अलाउइंग योरसेल्फ to be treated like that. You need to stop doing that. You need to establish those boundaries, stand up for yourself, have great self-esteem. Iska core reason ye hota hai kyunki childhood mein bachpan mein hi hame kisi ne respect kara nahi hai, hame kuch validation mila nahi hai. The only way we got the love of our parents or the people around was by being a people pleaser. Ye sari cheeze tumhe sort karna bahut important hai. You need to stop being a people pleaser. You need to understand how to establish boundaries. Aur ye na meri ek workshop hai, Warrior Monk workshop. Us udhar main cover karta hu. We'll link it down below as well. We'll add the link here. Go check it out. It's on highwordcycle.com/warriormonk. वहाँ पे तुम्हें वर्कशॉप मिल जाएगी
it'll help you work on this specific area of your life so that you don't get emasculated here. Red flag number 5. ये लड़की एकदम से गायब हो गई है एक दिन दो दिन के लिए बिना बताए. और जैसे कई बार ऐसे होता होगा तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, तुमने शाम को 6 बजे 7 बजे कॉल किया, लड़की को नहीं उठा रही, 8 बजे कॉल किया नहीं उठा रही, मतलब 6 से 9 के बीच में कॉल किया नहीं उठा रही, और कोई इतने जल्दी ना सोता नहीं है. उसका फोन आता है अगले दिन सुबह या तो 8 बजे या फिर 10 बजे या दोपहर को 12 बजे, 8 से 12 के बीच में अगले दिन कॉल आता है, या पूरे दिन बात ही नहीं होती है, एक दो दिन बात ही नहीं होती है. एंड तुम बोलते हो वेयर वर यू आई ट्राइड कॉलिंग यू, एंड शी इज लाइक आई स्लेप्ट. अले गया 7 PM you slept. ये red flag इसलिए है because most of the times अगर ये ऐसा हो रहा है 7 बजे लड़की सो रही है और सुबह तक आउट है, there is a very high chance that she's with someone else. Maybe your ex is in town, maybe उसको कोई और लड़का मिल गया है, maybe there's someone else who's in town for like just a day, or maybe like you know कोई लड़का उसको मिला था, उसने तुम्हें बताया नहीं और वो एकदम आ गया, and she just wanted to meet him. उसको लगा नहीं था she'll sleep with him, but she went out with him and things happened and she ended up sleeping with him and she can't answer the phone. वैसे बहुत ही बड़ा red flag है अगर ऐसे एक दो दिन के लिए लड़की गायब हो जाती है पूरा ही, तो बहुत बड़ी चीज है. नाउ टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट आल्सो, कई बार लोग ना 9-10 बजे के आसपास सो जाते हैं और फिर रात को उठ भी जाते हैं. अगर कभी ऐसा हो रहा है कि लड़की ने फोन नहीं उठाया तुम्हारा, 6-8 घंटे हो गए, जरूरी नहीं है हमेशा दैट शी इज बीन स्लीपिंग अराउंड, कुछ और चीज भी हो सकती है, इमरजेंसी भी हो सकती है, द फर्स्ट थिंग यू शुड बी आस्किंग इज आर यू ओके, आई एम वरीड अबाउट यू, क्या चल रहा है, रादर देन बीइंग लाइक यू फकिंग चीटिंग ऑन मी, आई नो यू चीटिंग ऑन मी. ऑलराइट, थोड़ा ध्यान रखना है आप, डोंट लैश आउट विद दीस थिंग्स एंड डोंट गो इनटू दैट इनसिक्योर जोन ऑल द टाइम. बट अगर डेफिनेटली 24 घंटे हो गए और वो बंदी गायब है एंड लाइक तुम्हारी रोज बात होती है, समथिंग्स अप. If it's not an emergency, something's up. Red flag number 6. तुम पहली डेट पे जा रहे हो, पहली बारी लड़की से मिल रहे हो, maybe तुम Tinder विंडर पे तुम्हारी बातें हुई हैं, पहली बारी तुम मिलने जा रहे हो डेट पे और वो कह रही है यार तो अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या तुम्हारे मैरिज के बारे में क्या ख्याल है, मेरे को शादी करनी है, डू यू वांट टू गेट मैरिड टू मी, लाइक वो बिल्कुल वेट नहीं कर रही है और बहुत ही जल्दी दे वांट टू ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ मैरिज या रिलेशनशिप की, अभी हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाना चाहिए. आई फील इट्स अ बिग रेड फ्लैग बिकॉज अगर कोई इतनी जल्दी रिलेशनशिप्स की बातें करता है या शादी की बातें करता है, मतलब बहुत डेस्परेट है. डेस्परेट क्यों है, क्योंकि मे बी उन्हें और कोई मिल नहीं रहा, इसलिए वो तुम्हें फंसाना चाहते हैं. Careful. Red flag number 8. तुम देखते हो कि इस लड़की के कोई लड़की दोस्त है ही नहीं, ये बस लड़कों के साथ रहती है, और इससे तुम पूछते हो यार हाउ कम यू डोंट हैव एनी गर्ल्स, ये कहती है आई डोंट गेट अलोंग वेल विद गर्ल्स, मुझे लड़के ज्यादा पसंद है. इन अ सेंस दैट्स फाइन, बट एक दो तो लड़कियां दोस्त होंगी सबकी, अगर एक लड़की दोस्त भी नहीं है, मतलब तुम अपने ही सेम जेंडर की लड़कियों के साथ, यू बीइंग अ फीमेल, तुम एक और फीमेल के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हो, तो तुम कितने इनटॉलरेंट हो, या फिर क्या चीज उसमें रॉन्ग है कि तुम हमेशा ही लड़कों के आसपास रहना चाहते हैं. इट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग. अब इसके ऊपर से ऐसा भी हो सकता है, तुम नोटिस ये भी कर सकते हो कि जब तुम बाहर जा रहे हो ये लड़की हमेशा लड़कों को टेक्स्ट करती रहती है, इवन व्हेन शी इज विद यू, रात रात को 2-2 बजे लड़कों के फोन आ रहे हैं और वो फोन पे बात कर रही है और टेक्स्ट कर रही है, लाइक तुम सोने वाले और फिर भी फोन पे बात करे जा रही है. आई थिंक प्यार का पंचनामा में एक सीन था जहां पे शी इज नॉट रियली फिजिकली चीटिंग ऑन यू एंड हैविंग सेक्स विद समवन एल्स, बट इमोशनली शी इज मच इन्वॉल्वड विद एवरीवन एल्स, एंड लाइक पर्सनली इट डजंट मेक मी फील वेरी गुड, लाइक इफ आई एम योर बॉयफ्रेंड, अगर हम साथ में हैं यू शुड बी अराउंड मी, यू शुड बी हियर, लाइक स्पेसिफिकली जब तुम मेरे साथ हो तुम दूसरे लड़कों को क्यों टेक्स्ट कर रहे हो, अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, इट्स अ फ्रेंड, वो थोड़ा बहुत चलता है, बट जैसे उसे पता है कि तुम्हें बुरा लगने वाला है, स्पेसिफिकली वही चीजें करेगी जो तुम्हें पसंद नहीं है, एंड एक बहुत ही रिवेंजफुल सा भी माइंडसेट है उसका. आई फील इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स नॉट समथिंग दैट आई लाइक बिकॉज़ दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आगे जाके. आई ट्राई टू सॉल्व इट एज मच एज आई कैन, बट एक सैडिस्टिक रिवेंजफुल सा माइंडसेट ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज़ आई फील इफ यू टुगेदर यू लाइक अ फैमिली, ऑलराइट, यू आर पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑलमोस्ट, लाइक यू आर नॉट फकिंग मैरिड और व्हाटएवर, बट अगर हम साथ में हैं वी आर लाइक नंबर वन फॉर ईच अदर इन द वर्ल्ड. आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट रिवेंज फ्रॉम मी ऑन समथिंग दैट आई डिड, नाइदर डू आई वॉन्ट टू गेट रिवेंज फ्रॉम यू. एट द सेम टाइम सैडिस्टिक होना, अगर तुम्हें प्लेजर मिल रहा है मुझे दुख पहुंचा के, यू आर अ वेरी फक्ड अप फकिंग पर्सन. एंड वन वे दैट वुमेन डू दिस इज दे स्पेसिफिकली टॉक अबाउट हैविंग सेक्स विद देयर एक्सेस एंड हाउ दैट वाज सो मच बेटर देन यू, एंड ऐसे करके स्पेसिफिकली मेकिंग यू फील बैड अबाउट दैट थिंग. और तुमने बोला होगा नहीं मुझे ये नहीं जानना है, या तो फिर तुम बोल नहीं पा रहे हो बट वो नोटिस कर रही है कि तुम्हें बुरा लगता है और जबरदस्ती ऐसी चीजें करती है, जहां घाव है उसी को प्रेस करती है. Not the best person to be with. And now, the red flag number 10, which happens to be the biggest one, sabse zyada important, sabse zyada all-encompassing, har ek cheez mein ye aane wala hai, is ye person always brings drama into your life. Ab ye koi ek ladki nahi hogi, koi aise tumhare dost bhi honge jo hamesha tumhari life mein drama la rahe honge. Matlab wo jab bhi aas-paas hote hai na, hamesha aisa hota hai ki kuch na kuch cheez kharab hi hoti hai, to ladaiyan hoti hain, rent ho jata hai, ya kuch aur ho jata hai. Hamesha kuch na kuch negativity ho rahi hoti hai wahan pe. Sab kuch cheeze theek chal rahi hai, suddenly you land into a problem, aur fir tum khud pareshan ho gaye ho. And you'll notice hamesha jab bhi tum is person
पर्सन के साथ जा रहे हो, ऐसी कुछ ना कुछ चीज होती है। अब या तो फिर तुम इनके साथ जब बाहर जा रहे हो, या तो ये तुम्हारी लाइफ में गॉसिप लेके आते हो और फिर लड़ाई करवा देते हैं दोस्तों के बीच में। अगर एक पर्सन अपने दोस्तों के बारे में गॉसिप कर रहा है एंड इज सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट देयर ओन फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ एज योर फ्रेंड और एज समवन दैट यू डेटिंग, बिकॉज वो क्या करेंगे, वो जाके दूसरे लोगों के पास भी तुम्हारे बारे में बकवास करने वाले हैं। एंड दैट्स ट्रू इन सो मेनी ओकेजन। हमें लगता है कि यार नहीं यार हमारे बारे में नहीं बोलेंगे, एंड वी समहाउ कॉग्निटिव बायस की वजह से हम इग्नोर कर देते हैं, गॉसिप करते रहे हमें दूसरों की बट पक्का हमारे बारे में नहीं बोलेंगे। बट ये ऐसे ही करते हैं, हमेशा बाहर जाके कुछ चीजें बोलते हैं तुम्हारे बारे में नेगेटिव, एंड ऊपर से जब भी तुम इनके साथ होते हो यू डोंट फील गुड एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग और द अदर फकिंग रॉन्ग हैपनिंग इन देयर लाइफ और योर लाइफ। उनकी लाइफ में रॉन्ग हो रहा है तो फोन करके बोल रहे हैं कि यार ये सॉर्ट कराओ, एंड देयर ऑलवेज लुकिंग फॉर हेल्प, ऑलवेज समथिंग और द अदर इज गोइंग क्रेजी इन देयर लाइफ। दिस इज नॉट द पर्सन दैट यू वांट इन योर लाइफ। यू वांट टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, नॉट ड्रामा, हु लिफ्ट यू अप नॉट पुल यू डाउन, हु यू नो हेल्प सपोर्ट यू एंड मूव यू अहेड रादर देन कीप यू बॉग डाउन इनटू द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे क्रिएट। दिस कुड बी लीगल इश्यूज, दिस कुड बी रिलेशनशिप इश्यूज विद अदर पीपल, दिस कुड बी जस्ट नॉर्मल फाइटिंग या फिर मेडिकल इश्यूज, दिस कुड बी एनी एंड ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, कैश की प्रॉब्लम, पैसे मांगने वापस नहीं देने, ये सारी चीजें होती है, नॉट द बेस्ट पर्सन दैट यू वांट टू बी विद। सो टॉप 10 रेड फ्लैग्स दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर एंड जस्ट मेक श्योर यू नेवर डेटिंग दीज गर्ल्स, एंड इफ दीज आर योर फ्रेंड्स स्टार्ट मे बी हैविंग सम डिस्टेंस फ्रॉम देम एंड बीइंग विद पीपल जो चीजें तुम्हारी लाइफ में अच्छी लेके आते हैं, जिनके ये सारे रेड फ्लैग्स नहीं है। एक फाइनल नोट मैं देना चाहूंगा कि यार रिलेशनशिप्स आरंट वेरी इजी टू डू, और सिमिलरली विद फ्रेंड्स, सिमिलरली विद अदर पीपल। हम सोच सकते हैं कि हमें ये रेड फ्लैग्स नहीं चाहिए, हमें इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, बट एट सम पॉइंट इन टाइम हमें एक दो चीजें हमें नजरअंदाज करनी ही पड़ती हैं, बिकॉज अगर हमें लोगों के साथ रहना है ऐसा नहीं हो सकता है कि वही पर्सन तुम्हारे लिए हमेशा चेंज होएगा, हमें भी चेंज होना पड़ेगा। एंड अ परफेक्ट पर्सन डजंट एग्जिस्ट, वो कंपैटिबिलिटी हमें बनानी पड़ती है और वो चीज हमें करनी पड़ती है। यू माइट नॉट अग्री विद एवरीथिंग अ पर्सन सेज एंड दैट्स फाइन, तो कहीं पे एक वो कॉम्प्रोमाइज करना इज समथिंग जो हमें सीखना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर्स, अपनी फैमिली के साथ। इन द एंड वी नीड टू एक्सेप्ट पीपल एज एंड हाउ दे आर, बट डेफिनेटली वो शुरू का जो डेटिंग का फेज है वहां पे अगर रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि जहां पे तुम्हें दिख रहा है रेड फ्लैग है परेशानी है उसी में तुम्हें जाना है। एक मिडिल ग्राउंड में 70-80% ग्राउंड लेके चल रहा हूं, 70-80% तुम रेड फ्लैग्स नोट डाउन करके कर रहे हो और फिर एक दो चीजें ऐसी हैं जो मे बी तुम ओवरलुक कर सकते हो बिकॉज यू आर लाइक फाइन आई विल वर्क विद दिस, जस्ट कीप दैट इन माइंड, इट विल बी वेरी सब्जेक्टिव फॉर एवरीवन, बट ऑल्सो कीप दिस फाइनल थिंग इन माइंड कि अगर तुम वो चीजें नजरअंदाज कर रहे हो आगे जाके वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन अ बेटर वे वुड बी टू पॉइंट दिस आउट टू योर पार्टनर और योर फ्रेंड एंड बी लाइक ब्रो आई डोंट लाइक व्हेन यू डू दिस, इट मेक्स मी फील नॉट वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ, आई वुड अप्रिशिएट अगर हम इसको स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन एंड वी रियली कनेक्ट, अगर लाइक यू नो वी कैन सॉल्व दिस थिंग आउट देन वी कैन रियली मूव अहेड इन अ रिलेशनशिप एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक थिंग्स वर्क अराउंड योर कम्युनिकेशन इज गोना बी की। राइट, सो टॉप 10 रेड फ्लैग्स दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर, दिस इज क्षितिज साइनिंग ऑफ, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, स्पैंक इट, स्मैश इट, डिमोलिश इट, आई एम गोना सी यू सून, पीस।